दूसरी बात मेरे नबी ने फरमाया, मेरे बेटे अनस, तुम्हें एक अजीम सुन्नत बताऊं, अजीम हदीस का उसलूब ये नहीं, मैं उसको ज्यादा वाजे करने के लिए उसका थोड़ा सा उसलूब बदला है, मतलब एक ही है। मेरे बेटे अनस, तुम्हें हदीस पढ़ सुनाता हूँ। या बुनैया इन इस्तताअ अन तुसबह व तुमसी वली सफी कल्बिक गश ले अहद फफअल ثم قال وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه। इसको मैं यूं बयान करता हूँ, मेरे बेटे अनस तुम्हें एक अजीम शान सुन्नत बताऊं, जालिका का तर्जमा, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी सुन्नत बताऊं, बहुत बड़ी सुन्नत। हम तो जरा अभी नीचे चल रहे हैं। मेरे नबी ने कहा बड़ी सुन्नत बताओ। कहा या रसूल अल्लाह क्या? कहा सुबह शाम अपने दिल को लोगों के बुगज से साफ कर दिया कर, साफ कर दिया कर, साफ कर दिया कर। जिस घर को सुबह शाम साफ किया जाए कितना वो चमकदार हो जाएगा। जिस कपड़े को सुबह शाम धोया जाए, प्रेस किया जाए, कितना चमकने लग जाएगा। तो दिल भी एक घर है, दिल भी एक कपड़ा है, इस पर दाग लगते हैं। जब मैं किसी के साथ नेगेटिव होता हूं तो उसका असर उसके दिल पे जाता है। तो मेरे नबी ने फरमाया बेटा, चूंकि बहुत ज़्यादा आंधी बहुत ज़्यादा है, तो सिर्फ एक दफ़ा झाड़ू देना काफ़ी नहीं होगा, सुबह भी झाड़ू देना है और शाम को भी झाड़ू देना है, और रात को सोने से पहले ये कह के सोया करो, या अल्लाह मैंने सबको माफ़ किया। कोई माफ़ी मांगने आ जाए तो देर न करना, फौरन माफ़ करना, और तुमसे खता हो जाए तो माफ़ी मांगने में देर ना करना। कोई तुमसे ज्यादती हो जाए तो माफ़ी मांगने में देर ना करना, और तुम पर ज्यादती करके कोई माफ़ी मांगने आ जाए तो माफ़ करने में देर ना करना। अल्लाह की रहमत तुम्हें ऐसे छाँव में ले लेगी। दिल को साफ रखो, बेहिसाब जन्नत में जाओगे, बगैर हिसाब जन्नत में जाओगे। दिलों को साफ करना सीख लो, अपने दिल को झाड़ू से देखो ना, अगर हम अपने घर को साफ नहीं करेंगे तो कितना गंदा हो जाएगा, और साफ करेंगे तो चमकदार हो जाएगा। दिल तुम्हारा घर है, इसको अल्लाह ने अपने लिए पसंद किया है, इसको साफ करो सुबह भी शाम भी। या अल्लाह मैं किसी से नाराज नहीं। अगर तुम इस मजमे में ऐसे लोग बैठे हो जो किसी से तुम बोलते नहीं हो, भाई भाई है, दोस्त है, मियाँ है, बीवी है, चाचा है, भतीजा, आपस में अगर तुम कटे हुए हो, हाथ जोड़ता हूँ, उठते ही सुलह कर लो। क्योंकि मेरे नबी का फरमान है, जब दो मुसलमान आपस में लड़ पड़े और बात ना करें तो अल्लाह उनके सारे अमल मरदूद कर दे। तो कहता जब तक ये सुलह नहीं करेंगे इनका कोई अमल कबूल नहीं है। तो अपने दिल पर पत्थर रखो, माफ़ करो, खुद जाके माफ़ी मांगो, चाहे जितना इसमें तुम्हें जोर लगाना पड़े मांगो। अल्लाह की कसम मेरे नबी का फरमान है, माफ करने से इज्जत घटे तो मुझसे ले लो, माफ करने से इज्जत नहीं घटती। हाय हाय, एक बच्चे ने माफी मांगी और माँ उसको कह रही तू इतना बेगैरत हो गया है कि तूने माफी मांगी। अगर माँ कह रही तू इतना बेगैरत हो गया तूने माफी मांगी। माओ का ये सबक होगा तो औलाद क्या करेगी। आप सोए हुए हैं, सफर में हैं, मेरे नबी एक बद्दू आया, गौरस उसका नाम था, गौरस, उसने आप ही की तलवार उठाई और आपके यूं पसली में मारी। आपकी आंख खुली तो तलवार लेके खड़ा, मन यमनाओ कमिन्नी, अब बोल कौन बचाएगा, तैयार हो या। तो आप हंस पड़े, हमने कहा अल्लाह, वो अल्लाह कहना था कि तलवार उसके हाथ से गिर गई। तो आपने उठा ली, आपने ऐसे सीधी की, आपने कहा अब तुम्हें कौन बचाएगा। कहने लगा मुझे तो तू ही बचाएगा। तो आपने कहा कलमा पढ़ते हो। कहा नहीं पढ़ता। कहा जाओ माफ़ किया, जाओ माफ़ किया।